हमारा इस जगह आने पर अपना एक रुझान है इस तरफ के लिए, और हम पूसा इंस्टीट्यूट में आके हम पूछ के गए थे कि कब होना है ये मेला, और इस मेले में आने के लिए हम बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे और बहुत इंतज़ार था हमें इसका मेले का। हम मेरे को मेरे हस्बैंड को हम दोनों को बहुत इंटरेस्ट है बागवानी में। मेले की खास चीज़ तो मुझे लगती है कि जो यहाँ पर जितने फार्मर्स आते हैं, जो किसान लोग अपने प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, चीज़ें जो हमें नॉर्मल लाइफ में नहीं दिखती हैं, बीज है, खाद है, जो कीड़ा लग जाते हैं उसकी दवाइयाँ हैं, जो हमें वैसे हमें ज्ञान नहीं होता है, हमें यहाँ आके उसकी बहुत नॉलेज मिल जाती है। छोटी सी जगह पर कैसे और बागवानी कर सकते हैं, किस तरह की कब आप कौन सी फसल उगा सकते हैं, कैसी आप खाद यूज़ कर सकते हैं उनकी फसल बहुत अच्छी हो, उनको आगे और पैसा मिले, छोटी सी जगह में आप ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, जो मैंने आज सीखा इतनी देर में। हम नौजवान कहते हैं कि बहुत केमिकल्स हैं खाने में, हमें वो खाना नहीं खाना चाहिए। अगर केमिकल वाला खाना है तो क्यों नहीं उसके आगे आते और जैविक खाने की तैयारी शुरू करते हैं। अब इस तरह की नॉलेज आपको हर जगह मिल रही है, फ़ोन पर मिल रही है, गवर्नमेंट ने जगह जगह सेंटर बना रखे हैं जो पूरी नॉलेज देते हैं। अगर नौजवान थोड़ा पढ़ा लिखा नौजवान कहीं और बाहर जाता है, इससे अच्छा वो अपने घर के किसी छोटे से फार्म में यह काम शुरू करे।